हमारे साथ है मशहूर सिंगर शैलेंद्र सिंह, जो ऑब्वियसली वाज द वॉइस ऑफ द 70s, और आज अक्सर नॉर्मली कैसोन के जर्नलिस्ट के पास सवाल होते हैं, बट जैसा कि यहाँ आज देखा गया, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस साइन अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट विद म्यूजिक लेबल्स, तो सवाल नहीं है बस सर, यू नो व्हाट यू हैव टू से, दो इट इज़ अ वेरी क्लीशे, बट हाउ डू यू फील टुडे? देखिए, इतने साल से जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हक के लिए, आज वो पूरा हुआ, तो जाहिर है कि हम बहुत खुश हैं, और अच्छी बात यह है कि म्यूज़िक लेबल्स भी खुश हैं। तो बीच में जो हमारी बनती नहीं थी, बनती मतलब जो एग्री नहीं करते थे हम पॉइंट्स में, और वो सब सॉर्ट आउट हो गया। पीयूष जी का बहुत सपोर्ट रहा, उनका गाइडेंस मिली उनकी, हाँ, तो ये बहुत खुशी का दिन है आज, ये ऐतिहासिक दिन बोलूँगा। हमारी जो स्ट्रगल है वो आज सक्सेसफुल हुई, तो थैंक यू टू ऑल द म्यूजिक लेवल एंड मिस्टर पीयूष जी एंड संजय, हु हैज रियली रियली वर्क वेरी हार्ड। सर, मेरा सवाल क्या ये जो समझौता हुआ है गायकों और म्यूजिक लेवल की आपसी समझ के बगैर संभव था, या इसमें आपको लगता है सरकार का ही सारा योगदान है? नहीं, सब एक दूसरे से मिले रहे हैं, एक दूसरे के बगैर कोई भी संभव नहीं था। और फाइनल तो जो हमको गाइडेंस मिली पीयूष जी से, वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरी तो म्यूजिक लेवल और सिंगर्स के बीच में था ना, तो वो जो फैसला हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ हम लोगों का, उससे हम बहुत खुश हैं। Once again, thanks to all the music labels and producers. So obviously, बार बार जिक्र किया गया कि obviously जो established stars है, you know, उन्हें तो sir, you know, they've been able to look after themselves. लेकिन जो artist जिनका you know career इतना लंबा ना रहा, जिन्होंने कुछ गाने गाए, और उनके लिए शायद ये ऐतिहासिक दिन। उनके लिए अच्छी बात ये है कि we have already made provision, जो fund हम side में रखते हैं, उनके लिए रख रहे हैं। किसी को health का problem हो, कुछ हो, मतलब we can help. पुराने सिंगर जितने थे बेचारे, शमशाद बेन वगैरह, उनके पास तो पैसा नहीं था, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के फंड सेपरेट। आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सो आई नो। सर, एक सवाल और उठा इसमें, जैसे पीयूष जी ने बताया कि म्यूजिक लेबल्स वालों के शिकायत थी कि भाई जो गायक होते हैं वो प्रमोट होने के बाद म्यूजिक कंसर्ट करके कमाते हैं या शो करके कमाते हैं। नहीं, ये बेबुनियाद है, आई डोंट एग्री एंड इवन पीयूष जी डजंट एग्री, क्योंकि हर आर्टिस्ट शो नहीं करने जाता, सबको मिलते भी नहीं इतने शो, तो क्या करे बेचारा, अगर दो शो करेगा महीने का तो दे देगा। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें कुछ और भी चीज़ें पता चली, जैसे ऑब्वियसली कलेक्टिंग यू नो रॉयल्टी थ्रू इंस्टीट्यूट्स लाइक होटल इंडस्ट्री, और मतलब ये भी शायद एक ट्रिकी होगा, बिकॉज नहीं, नहीं, मेहनत तो है, बट मेहनत करनी पड़ेगी, पता मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर बिलीव करता है कि खासकर म्यूजिक आजकल कोई पैसा नहीं बढ़ता है उसके लिए, बस जो मोबाइल कार्ड है उनके पास उसका है, तो आई थिंक वो बहुत सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। वो भी विल ओवरकम इट एंड डेफिनेटली। सर, एक सवाल ये कि आईपीएल जल्दी पूछो यार, अभी तो पूरा इंटरव्यू ले रहे हो यार। नहीं सर, एक सवाल बस, आईपीएल जो कुछ सालों से काम कर रही थी, उससे क्या फायदा था, क्या नुकसान था? आई एम अ मेंबर ऑफ आईपीएल एसोसिएशन, दिस इज अ डिफरेंट बॉडी, इसमें पब्लिशर, सॉन्ग राइटर हैं, प्रोड्यूसर, इसमें सॉन्ग राइटर वगैरह थे मेनली, पसंद कि फर्क बाकी मैं तो दोनों का मेंबर। चलिए सर, यही कहेंगे कि ऑब्वियसली द प्रूफ लाइज इन द ईटिंग, और वी होप यू नो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इट विल बी यू नो जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, डिस्ट्रीब्यूट सो मच, और भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर।